हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्टारशिप हल्क के बारे में। क्योंकि भले ही एमसीयू में हल्क को दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है, वहीं कॉमिक्स में उसे और भी बेटर वे में और क्रिएटिव वे में दिखाया जा रहा है, जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। अब देखो भाई, मूवी में जो ब्रूस का दिमाग एंड हल्क की बॉडी वाला कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया था, वो हमें नहीं जमा। और इसका ना जमने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हमें इनक्रेडिबल हल्क जैसे फाइट सीक्वेंस या एवेंजर्स मूवी में जिस तरह हल्क स्मैश कर रहा था, उस तरह करते हुए नहीं दिखाया गया। बट क्या होता अगर ब्रूस का दिमाग एंड हल्क की बॉडी होती, एंड ये हल्क का वर्जन हमारे फेवरेट हल्क के जैसे ही स्मैश करता फिरता। क्या ये हल्क आपको पसंद आता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि स्टारशिप हल्क की कहानी, जिसमें ब्रूस बैनर हल्क की बॉडी को कंट्रोल तो कर रहा है, एंड वो भी इतने अच्छे से कि वो टोनी के एक नहीं बल्कि चार हल्क बस्टर आर्मर से एक साथ लड़ रहा है। एंड एक बार मैं क्लियर कर दूं कि स्टारशिप हल्क की स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं इसके आगे के इश्यूज को भी कवर करने वाला हूं, जिसमें स्टारशिप हल्क ना सिर्फ थॉर बल्कि टोनी के सेलेस्टियल आर्मर से भी लड़ता है, बट उसकी ओरिजिन इस वीडियो में कवर हो रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से उस कहानी को भी समझ पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। सो कॉमिक के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि हल्क किसी दरवाजे को पंच कर रहा है, वहीं साथ में हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि शुरू से हमें ये बताया गया है कि हल्क डॉक्टर बैनर के गुस्से और ट्रॉमा का मैनिफेस्टेशन है, बट व्हाट इफ हल्क इन सब में से कुछ नहीं है, बल्कि वो इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हमें बैनर से बचा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बैनर अपना लैब कोट वगैरह निकाल रहे हैं, एंड बेटी उनसे कहती है कि तुम हल्क को वहाँ कैद नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक बच्चा है। जिस पर बैनर कहता है कि मैं ही हूँ जो उसको वहाँ कैद कर सकता है, जिसके रेस्पॉन्स में बेटी कहती है कि एल पासो में जो हुआ उसके लिए तुम खुद को दोष मत दो। ब्रूस बेटी की ओर मुड़ता है एंड कहता है कि मैं खुद को नहीं बल्कि हल्क को दोषी मानता हूँ उस चीज के लिए। मैं कभी भी कोई सुपर हीरो या डिफेंडर या एवेंजर या मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। मैं सिर्फ एक साइंटिस्ट था जो कि नई चीजें डिस्कवर करना चाहता था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में हल्क नाम का ट्यूमर आ गया। आगे की बात बताने से पहले वो इंजिन को 20% पे कर देता है और फिर बोलता है कि हल्क इमॉर्टल है और मैं नहीं, इसीलिए जब तक मेरे पास समय है मैं अपने लिमिट्स तक जाऊंगा उसे रोकने और कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तुमने देखा ही कि अल्पासो में क्या हुआ। जिसके जवाब में बेटी कहती है कि सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी अगर तुम ऐसे ही चलते रहे। जिस पर ब्रूस कहता है कि बद से बदतर, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड अब तुम्हारा भी समय आ चुका है यहाँ से जाने का। जिसके बाद वो कुर्सी में बैठता है कि तभी हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर स्पाइडरमैन दिखाया जाता है, जो कि पूछता है कि क्या यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इसको एक बार में डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बट मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि शायद हम अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट फेस करने वाले हैं। एल पासो में जो हुआ उसके वजह से बैनर का दिमाग टूट चुका है, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बताऊं। कि तभी कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हल्क पर टोनी नजर रख रहा है, आप पहले ये बताओ कि मामला क्या है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि एल पासो में जो हुआ उसके बाद से ब्रूस का दिमाग बिखर चुका था, और उन बिखरे हुए दिमाग के पीछे से ही उसने एक स्टारशिप बना लिया अपने दिमाग के अंदर, जिसके मदद से वो हल्क की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फाइट चल रही है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी के टीम लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने मिस्टिक आर्ट से लेकर ओमेगा लेवल के टेलीपैथ की मदद ली स्टारशिप हल्क के दिमाग में झांकने के लिए, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। इनफैक्ट जब एस्ट्रल फॉर्म में उन्होंने उसके दिमाग के अंदर झांका तो उन्हें स्टारशिप हल्क की इंजन रूम दिखाई दी, जिसके कुर्सी में बैनर बैठा हुआ है जो कि हल्क के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हल्क को गुस्सा आएगा तो उसकी पावर्स बढ़ती जाएगी, तो दिमाग के अंदर जो स्टारशिप बैनर ने बनाया है उसमें उसने एक जगह पर हल्क के पर्सोना को कैद किया हुआ है। इनफैक्ट कॉमिक के स्टार्टिंग में जिस दरवाजे को हल्क पंच कर रहा था वो वही जगह थी, और ये जगह ऐसी है जहाँ पे ब्रूस अनगिनत थ्रेट भेज सकता है जिससे हल्क लड़ते रहता है, और जैसे ही हल्क उनसे लड़ते रहता है उसका सब बढ़ते रहता है, जो कि एक फ्यूल के जैसा काम करता है बैनर के लिए, जो कि हल्क के बॉडी को चलाने में उसकी मदद करती है। जैसे आप गाड़ी में गियर बदलते हो, वैसे ही बैनर के इंजन रूम में एक लीवर है जिससे वो डिफरेंट स्टेज या अमाउंट ऑफ
थ्रेट लेवल को कंट्रोल करता है जो कि हल्क फेस कर रहा है दिमाग के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप स्टारशिप हल्क जिसको ब्रूस कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल होते जाता है। जैसे कि जब स्टारशिप हल्क यहाँ पर चार हल्क बस्टर आर्मर से लड़ रहा होता है तो टोनी स्टारशिप हल्क पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि टोनी एडामेंटियम नैनो पार्टिकल शार्पनर छोड़ता है जो कि कोई भी शेप ले सकता है एंड हल्क के स्किन तक को भी भेद सकता है, जिसके मदद से हल्क कुछ सेकेंड के लिए बंदी बन जाता है। तो बैनर इंजन रूम में स्टेज 1 इनिशिएट कर देता है, जिससे इनफाइनाइट आर्मी हल्क के पर्सोना पर टूट पड़ती है, जिससे हल्क लड़ने लगता है और ताकतवर होते जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टारशिप हल्क भी पावरफुल होते जाता है, इतना कि वो एडामेंटियम नैनो पार्टिकल द्वारा बनाए गए लॉक से खुद को आजाद करता है। बट यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि वो खुद को जब आजाद करता है एडामेंटियम नैनो पार्टिकल द्वारा बनाए गए कैद से, तो वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि अपने हाथ को ही उससे अलग करके खुद को आजाद करता है, जिसके बाद से वो एक एक करके टोनी के हल्क बस्टर आर्मर को डिस्ट्रॉय करता है और उनमें से एक आर्मर का हाथ तोड़कर अपने राइट हैंड में फिट कर लेता है जहां से उसका हाथ कट गया था, जिसके बाद से वो उसी हाथ में फिट टोनी के हल्क बस्टर आर्मर को यूज करके एक ब्लास्ट छोड़ता है जो कि टोनी के सूट को जाकर लगता है, जिसके बाद से वो एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि जो हाथ हल्क का अभी अभी कट गया था वो इतनी जल्दी रिकवर भी हो चुका है, विच शोस कि इस हल्क की रीजनरेशन पावर कितनी ज्यादा है। खैर आगे टोनी पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर बैनर बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट आर्क के लिए आया हूँ, जिस पर तुम नल के अटैक के बाद से काम कर रहे हो, ताकि एक पॉकेट डायमेंशन बनाया जा सके जहां पर लोगों को भेज सको एंड बचा सको जब अगली बार कोई प्लैनेटरी लेवल खतरा आए। तुमने काफी अच्छा काम किया है टोनी। टोनी जख्मी हालत में कहता है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है एंड हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वर्म होल के उस तरफ क्या है, तो तुम्हारा उसमें जाना जानलेवा हो सकता है। कि तभी स्टारशिप हल्क कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम यही तो चाहते थे, मुझसे छुटकारा पाना। और फिर वो अंदर चला जाता है और एक मैसेज छोड़ जाता है सबके लिए, जिसमें बैनर कहता है कि मैं ये मैसेज खुद को समझाने एंड तुम लोगों को वार्निंग देने के लिए छोड़ रहा हूँ कि तुम एंड तुम लोगों के प्लान्स जो हल्क को रोकने के लिए थे वो काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब तुम लोग हल्क का सामना नहीं कर रहे बल्कि मेरा कर रहे हो एंड मैं हल्क के गुस्से से कंट्रोल नहीं हूँ बल्कि उसे फ्यूल के जैसा यूज कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, तुम लोगों के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे तुम मुझे रोक सको और ना ही तुम लोग मेरे लिए रेडी हो। और इसी के साथ फर्स्ट इशू खत्म हो जाता है। आगे के इश्यूज में हम थॉर एंड टोनी के नए आर्मर के साथ उसको लड़ते हुए देखते हैं, जिसको मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, जिनके लिंक्स तब अवेलेबल हो जाएंगे जब वीडियो पब्लिक हो जाएंगे। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा। बाकी आप इस स्टारशिप हल्क को थॉर के अगेंस्ट लड़ते हुए देखना चाहते हैं पहले, या फिर आयरन मैन के अगेंस्ट, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए। अगर पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।